नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। रीवा पुलिस के कितने किरदार हैं ये समझना समझ के परे है। एक ओर नशे के खिलाफ अभियान के पोस्टर जारी किए जाते हैं, अवैध गांजा कोरिक्स बेचने वालों की सूचना देने के लिए नंबर जारी किए जाते हैं, लेकिन सवाल तब उठने लगता है जब यही पुलिस हफ्ता लेकर दारू गांजा या कोरिक्स बेचने की खुली छूट दे देती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बोलिए, बोली लगाइए, 10 का लीजिएगा, 20 का लीजिएगा, जितना चाहिएगा उतना मिलेगा। ये गांजा मंडी है, कोरेक्स का गोदाम है, शराब का तहखाना है, रीवा शहर का चर्चित बाजार है, सब जानते हैं लेकिन सब छुपाते हैं। पुलिस जानती है, प्रशासन जानता है, लेकिन मजाल है ये मंडी, ये गोदाम, ये तहखाना निस्तनाबूत करने की हिम्मत किसी की हो जाए। पीने वालों के लिए आंखों की ज्योति है, कलेजे का मंजर है, नशे के खिलाफ नकली अभियान चलाने वाले वर्दी वालों के लिए कमाई का चौचक साधन है। हर चौकी, हर थाने के सिपाही से लेकर टीआई तक सबको सब कुछ मालूम है, कौन कहां क्या कर रहा है, सबके मुखबिर हैं, लेकिन आए दिन कोरिक्स की सीजियां जब्त करने के अलावा आज तक कोई निश्चित समाधान नहीं निकाला जा सका। एसपी बदल गए, टीआई बदल गए, थानों के मुंशी बदल गए, नहीं बदला तो जिले में अपराधियों का ग्राफ, नहीं बदला तो नशा बेचने वालों का सामान। गांव गांव, शहर शहर, शहर का हर कोना सबूत देता है, शराब, कोरेक्स और गांजे से पटा पड़ा है रीवा। लेकिन दिखावे के सिवा ना इस खाकी के पास कोई काम है और सियासतदानों के कहने ही क्या। जिस पार्टी की सरकार है उसी के 8 विधायक हैं, लेकिन मजाल है किसी के मुंह से नशे के खिलाफ एक लफ्ज निकल जाए। खैर, जिले में नए पुलिस कप्तान आए हैं, पुरानों की तर्ज पर रटा रटाया काम कर ही रहे हैं, ज्यादा एक्टिव होने से मिल ही क्या जाएगा। लेकिन जिले का युवा नशे के गिरफ्त में जितनी तेजी से आता जा रहा है, इसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।